कोलोसियम को ऐसा इसलिए बनाया गया था ताकि आप इस एम्फी थिएटर के चाहे किसी भी कोने में क्यों ना बैठे हों, आपको वहां से बेस्ट व्यू ही मिलता। कोलोसियम का जो माइनर एक्सेस था वो देखने के लिहाज से सबसे अच्छी जगह थी। एक अंडे को हाथ में लीजिए और उसकी चौड़ाई का जो छोर होता है उसे माइनर एक्सेस कहते हैं। वहां राजा और उसका परिवार बैठता था। उनके जरा पीछे वेस्टल वर्जिन्स बैठती थी जो बेसिकली फीमेल प्रीस्ट थी। इनके पीछे सीनेटर्स बैठते, फिर घुड़सवार योद्धा और सबसे आखिर में लकड़ी की सीट पर औरतें और गुलाम। बैठने की जगह पहले से तय थी और ऐसा वहां के स्ट्रक्चर से पता चलता है, जहां ये पहले से लिखा हुआ था कि किसे कहां बैठना है। ये सिटिंग अरेंजमेंट्स ऐसी थी जो नीचे से ऊपर जाते हुए कोलोसियम के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती थी। इसे जानबूझकर ऐसा बनाया गया था ताकि इमरजेंसी के समय पहले राजा और राज परिवार के साथ साथ देश चलाने वाले लोग कोलोसियम से बाहर निकल सके। अपर क्लास के लिए एग्जिट पॉइंट्स भले ही कम थे, पर वो इतने बड़े थे कि एक साथ ढेर सारे लोग बाहर जा सकते थे। यही नहीं, कोलोसियम का डिजाइन कुछ ऐसा था कि भगदड़ मचने की गुंजाइश बहुत ही कम थी। आज के मॉडर्न आर्किटेक्ट्स जब इसकी बनावट की बारीकी देखते हैं तो तब के स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की तारीफ करते नहीं थकते। भले ही आज लाख डेढ़ लाख लोगों को मैनेज करना कोई बड़ी बात नहीं लगती, पर सोचिए आज से लगभग 2000 पहले जब 50,000 लोगों की भीड़ जब एक साथ चीयर करती होगी तो क्या ही नजारा होता होगा। कोलोसियम का जो इनर पार्ट है इसकी लंबाई है लगभग 620 फीट और ये 513 फीट चौड़ा है। कोलोसियम में जो 3 फ्लोर्स हैं उनमें टोटल 80 आर्क्स हैं। आर्क्स यानी दरवाजे जैसा स्ट्रक्चर। सबसे नीचे वाला फ्लोर जो है उसमें से 76 जो आर्क्स हैं वो जनरल एंट्रेंस है और बाकी के रिजर्व्ड थे एम्परर, सीनेटर्स और ग्लेडिएटर्स के लिए। जब कोलोसियम काफी मशहूर था और अपनी पीक पर था तब सेकेंड और थर्ड फ्लोर के सभी दरवाजों पर मूर्तियां लगी हुई थी। कोलोसियम की बनावट में ग्रीक कल्चर का प्रभाव साफ तौर पर दिखता है। कोलोसियम की बनावट में 3 तरह के पैटर्न्स थे। पहले फ्लोर पर टस्कन कॉलम्स दिखता है, दूसरे फ्लोर पर आयोनिक कॉलम्स और तीसरे फ्लोर पर कोरिंथियन कॉलम्स। अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें तो कोलोसियम का ज्यादातर हिस्सा कॉन्क्रीट से बना है और उस पर ट्रेवर्टाइन स्टोन या मार्बल की कोटिंग की गई थी। यहाँ यूज किए गए ऐसे कई स्टोन ब्लॉक्स हैं जो 300 टन के हैं। बस एक बात बताइए, आपने डोनट तो देखा ही है, हो सकता है आपको पसंद हो। अगर है तो कोलोसियम को एक डोनट की शेप में इमेजिन कीजिए। इसे डोनट शेप ही दिया गया था। इसमें जो ड्रेन्स बने थे वो लगभग 8 मीटर गहरे थे। इसके जो आउटर वॉल्स और सीटिंग है उसे मजबूती देने के लिए फाउंडेशंस को 12 से 13 मीटर गहरा रखा गया था, जबकि एरिना को 4 मीटर डीप रखा गया था। इसको बनाया ही कुछ इस तरीके से गया था कि एक बजट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर बने। कोलोसियम के बाहरी दीवारों पर गोल्ड प्लेटेड ब्रॉन्ज शील्ड भी लगे हुए थे और आर्क्स पर एम्परर्स और रोमन देवताओं की मूर्तियां। एंट्री पॉइंट जहां से राजा अंदर आते थे उसके लिए लंबे बरामदे भी बने हुए थे। रोमन कल्चर में गेम्स को सेक्रेड माना जाता था। यहां पर हर चीज के कोई ना कोई देवी देवता थे और लोग खुद को इन्हें समर्पित कर देना चाहते थे। ये गेम्स इसी डेडिकेशन को सिंबलाइज करता था। इसलिए रोमन एम्पायर में कोलोसियम ही इकलौता स्टेडियम नहीं था, ऐसे ढेरों छोटे बड़े कोलोसियम स्ट्रक्चर बनाए गए थे। पर ये कोहिनूर की तरह था, तभी इसका रुतबा आज भी कायम है। वैसे आपने ऐसे फुटबॉल स्टेडियम तो जरूर से देखे होंगे जिन पर परमानेंट छत नहीं होती, पर ऐसी छत होती है जो ऑटोमेटिकली खुल और बंद हो सकती है। तब ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन कोलोसियम में परफॉर्म कर रहे योद्धाओं को तेज धूप से बचाने का इंतजाम था। लकड़ी के बने 240 बीम्स लगे थे जिन पर त्रिपाल या कपड़े चढ़ाए जा सकते थे। रोमन एम्पायर का जो शाही बेड़ा यानी रॉयल नेवी था उसके सेलर्स जब भी फ्री रहते थे तो स्टेडियम को ढकना उन्हीं की जिम्मेदारी थी। बड़ी बड़ी नावों पर जो पाल लगे होते हैं बस कुछ वैसा ही खोल दिया जाता ताकि कोलोसियम में मौजूद लोगों को धूप से बचाया जा सके। कोलोसियम में जो राउंड राउंड दरवाजे बने हुए हैं उसमें ध्यान से देखने पर होल्स दिखाई देते हैं। ये इसलिए बनाए गए थे ताकि अंदर रहते हुए भी परफॉर्मेंस मिस ना हो। दो पिलस्टर्स के बीच ये छोटे रेक्टेंगुलर विंडोज थे। दो उल्टे यू लिखेंगे तो अंदर की ओर जो डंडियां हैं उन्हें पिलस्टर्स कहते हैं। तो कोलोसियम का जो मेन फ्लोर था वो वुडन ब्लॉक से बना था जिसे रेत और मिट्टी से ढका गया था। इन वुडन ब्लॉक्स को हटाया जा सकता था
जिसके नीचे मशालों की रोशनी में जगमगाता एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड एरिया था। दो माले की इस मेज में हाथों से चलाए जा सकने वाले एलिवेटर्स थे, जिससे जंगली जानवरों को अखाड़े में भेजा जाता था। बहुत सी हिस्टोरिकल मूवीज में आपने ऐसा देखा होगा, कोलोसियम को लेकर के ऐसी कहानियां मौजूद हैं, जिनमें जिक्र है कि एक साथ 100 शेरों को कोलोसियम में भेजा जाता था। इसको सिर्फ एक स्ट्रक्चर कह देना इसकी तौहीन होगी। ये आज से 2000 साल पहले की इंजीनियरिंग का कमाल ही था कि यहाँ एक सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम था। यहाँ चैम्बर्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क था जो कई सारे टनल से होकर गुजरता था। अखाड़े के नीचे पार्टिसिपेंट्स को रखने और उनके आराम करने के लिए हाइपोजियम बने हुए थे। ट्रैप डोर्स, पुलीज और लिफ्ट फैसिलिटी के साथ ये इतना मॉडर्न था कि देखते ही देखते आंखों के सामने बड़े बड़े जानवर यूं मैदान में आ जाते, मानो किसी मैजिशियन ने अपनी टोपी से खरगोश निकाला हो। कोलोसियम में स्पेक्टेटर्स के कंफर्ट का ख्याल रखते हुए हर दर्शक के बैठने के लिए 40 सेंटीमीटर जगह दी गई थी और लेग स्पेस था 70 सेंटीमीटर। आज की इकोनॉमी क्लास एयरलाइन में भी लगभग इतना ही स्पेस रहता है। यही नहीं, ये एम्फी थिएटर कुछ इस तरीके से बना था कि सिर्फ 15 मिनट में ये पूरी तरह से खाली हो सकता था।